तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्हाट टेक्नो इंस्पायर में फ्रेंड्स। और अभी मैं जो है यहाँ पे इमोजी अपने फेस के ऊपर लगा रहा हूँ तो ताकि मेरा फेस यहाँ पे रिवील ना हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऑनर 8X को लेकर आपसे यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। आपको जैसे पता होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो स्मार्टफोन है यहाँ पे ख़राब हो चुका था क्योंकि उसकी जो बैटरी थी यहाँ पे बल्ज हो गई थी। तो उसी से रिलेटेड अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। फुल मैं यहाँ पे डिटेल्स दूंगा कि कैसे बैटरी फुल गई थी, कैसे वो सर्विस सेंटर तक पहुँचा और कितने दिन लगे उसे बने में और कब तक वो आएगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, काफ़ी वक्त से जो था वो मेरे ऑनर 8X का बैक कवर जो था यहाँ से निकल पीछे की ओर से निकल रहा था, ठीक है। तो वो पीछे की ओर से निकल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ग्लास पैक है तो ग्लू जो है वो निकल रहा है। तो कभी अगर मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा तो यहाँ पे ग्लू जो है यहाँ पे चिपका लूँगा। लेकिन फिर बाद में जो है वो जो है बैक कवर पूरी तरह से निकल जाता है और पता चलता है कि जो बैटरी थी वो धीरे धीरे बल्ज हो रही थी। काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला और सर्विस सेंटर मुझे ये बताया कि जब आप बैटरी को ओवर चार्ज करते हो या फिर आप बैटरी को चार्ज में लगाकर जब आप गेम प्ले करते हो या किसी और चार्जर से अपनी बैटरी को चार्ज करते हो या जब आपकी बैटरी 0% पर चली जाती है वहाँ से आप अपने बैटरी 100% पे चार्ज करते हो तो और फुली 100% करने से जो है आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ यहाँ पे अफेक्ट होता है और आपकी जो बैटरी यहाँ पे बल्ज हो सकती है और ड्रेन से यहाँ पे फास्टर हो सकती है और हो सकता है कि आपकी बैटरी यहाँ पे एक्सप्लोड कर सके या ओवरहीटिंग का इशू यहाँ पे चलता रहे, ठीक है। तो इसी के कारण जो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती है। तो मैं जो था वो कभी कभी 0% से 100% करता था तो शायद इसी वजह से हो गया होगा या कभी कभी ओवर चार्जिंग के कारण मैं ओवर चार्ज भी कर देता अपने स्मार्टफोन को, शायद इस वजह से ये हो गया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स था तो ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम्स भी होंगे क्योंकि ओवरनाइट ओवर चार्जिंग तो मैं कई सारे स्मार्टफोन्स में कुछ वक्त के लिए करता हूँ तो कभी कभार हो जाती है अगर ध्यान ही रहता है तो। लेकिन उन स्मार्टफोन के साथ ऐसा नहीं होता, सिर्फ ऑनर 8X के साथ ही ऐसा हुआ था। या हो भी सकता है कि बैटरी काफ़ी छोटी थी तो इसके कारण कुछ हो सकता है। खैर मेरे पास इसका प्रॉपर रीज़न नहीं है कि मेरा ऑनर 8X के साथ ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पे काफ़ी जो लोग एक पर्सन थे उन्होंने हमें यहाँ पे कमेंट किया तो उन्होंने कमेंट किया कि वो पूछ रहे थे कि मेरे ऑनर 8X के साथ भी सेम इशू यहाँ पे चल रहा है तो मैं कैसे इस इशू को एक्सेक्लेट कर सकता हूँ, आगे की ओर बढ़ा सकता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपको ट्विटर पे जो है यहाँ पे एक ट्वीट डालना होगा, ठीक है। ट्वीट डालना होगा ऑनर 8X को @ONERINDIA कर उनको टैग करते हुए आपको यहाँ पे ट्वीट डालना होगा ट्विटर पे। और आपको अपना स्मार्टफोन की जो इमेजेस है जो जहाँ से बैटरी फुल गई है वहाँ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेकर और आपको वहाँ पे जो है यहाँ पे मेरे को भी टैग करना होगा @WhatTechInspire वहाँ पे आपको टैग करना होगा और आपको ट्वीट यहाँ पे करना होगा, ठीक है। ट्वीट करने के बाद जो है कंपनी आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेगी और ट्वीट करने से पहले आप जो है एक बार कंपनी को यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा उनके ऑफिशियल पे और अपनी सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे बता दीजिएगा। तो अपनी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे बता दोगे तो कंपनी आपके इशू को एक्सेक्लेट करेगी और ट्विटर पे भी एक ट्वीट आप डाल दीजिएगा यहाँ पे ताकि कंपनी के ऊपर और ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बने और क्योंकि चाइनीज कंपनी तो हमें यहाँ पे प्रेशर बनाना पड़ेगा ताकि वो जल्द से जल्द हम आपके स्मार्टफोन यहाँ पे रिपेयर कर सके। तो आप ये सारी चीज़ें कर लोगे उसके बाद आपको कंपनी जो है एक सर्विस सेंटर का नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, अपने स्टेट मैनेजर का नंबर प्रोवाइड कर सकती है, आप सर्विस सेंटर के जो ऑनर है या मैनेजर है उसका नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी और वो पर्सन जो है फ्री पिकअप डिलीवरी यहाँ पे क्रिएट करा देंगे, ठीक है। पिन कोड से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई भी पिन कोड डाल दीजिए जो आपके नज़दीकी एरिया में हो क्योंकि पिन कोड पर डिलीवरी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। आप बोलेंगे पिन कोड चेंज करने के लिए तो कोई भी नज़दीकी एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा और अपने एड्रेस पे बुलाकर जो है वो डिलीवरी बॉय को यहाँ पे कुरियर दे दीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से जो है ऑनर 8X जो है वहाँ पे जो भी आपके पास स्मार्टफोन है यहाँ पे किसी भी कंपनी का अगर आपकी बैटरी के साथ प्रॉब्लम है इस तरह से तो मैं यहाँ पे ऑनर की किस में यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी ऑनर या वावे दोनों एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में इस तरह से जो यहाँ पे वर्क करेगा और फिर आपकी जो टीम है वहाँ पे ले जाएगी, फिर आपका सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन चेक होगा और अगर आपका जेनुअनली बैटरी फुला हुआ होगा मतलब आप किसी भी तरह से यहाँ पे कह सकते हो जेनुअनली अगर आपका बैटरी फुला हुआ होगा मतलब अगर आपने कोई नॉर्मल मैकेनिक से अगर आपने बैटरी को नहीं बनवाया होगा या आपकी बैटरी जो है यहाँ पे फुली नहीं होगी मतलब फुली मेरा कहने का मतलब है अगर आपकी बैटरी कोई और नहीं होगी सारा जो कंपनी का ही प्रोडक्ट रहेगा तो कंपनी आपको जो है ये चीज़ें फ्री में भी करा सकती है और समटाइम्स आपको चार्ज भी कर सकती है, ठीक है। तो आप हो सके तो आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा चार्ज अगर वो करते हैं आपसे स्मार्टफोन से हो सकता है कितनी कई किस्म में यहाँ पे चार्ज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो चार्ज अगर कंपनी यहाँ पे करती है आपको तो थोड़ा सा पैसा आप कट ऑफ कर सकते हैं कंपनी को अपनी इश्यूज बताकर कि आप ही का कंपनी है, या नहीं तो आप ट्राई करें कि आप कंपनी को इस तरह से अपनी बातों को बताएं कि उन्हें लगा कि आप जो प्रोडक्ट हो सारा जेन्युइन है और कंपनी जो है आपको फ्री में यहाँ पे इशू फ्री में जो है आपका यहाँ पे रिटर्न क्रिएट करते हैं। हालांकि कंपनी यहाँ पे फ्री में ही रिटर्न करती है, मैंने बस आपको नॉलेज के लिए बता दी क्योंकि हो सकता है कोई सर्विस सेंटर आप चार्ज कर लें एज अ बैक साइड में तो उससे आपको यहाँ पे बच के रहना है, ठीक है। अगर आपने जेन्युइनली आपकी बैटरी फुल की तो आपको कोई टेंशन का जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसे देने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब उसके बाद जो होता है कंपनी आपको जो है वो अपना रिपेयरिंग यहाँ पे कर और आपको तक यहाँ पे पहुँचा देगी। ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारी कुछ कहानी यहाँ पे ऑनर 8X से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और ऑनर 8X में जो बैटरी ड्रेन इशू था वो हो सकता है कि इसी के कारण लोगों के फ़ोन में आता होगा कि जब वो लोग ओवर चार्ज करते होंगे। तो दोस्तों 0 से 100% बैटरी को नहीं चार्ज करना, ठीक है। मेरे को एक टिप मिली है, कहाँ से मिली है मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। मेरे को एक टिप मिली है कि जब भी आप बैटरी को चार्ज करें तो 20% या 15% से ऊपर चार्ज करें और 1995 तक जो है बैटरी को चार्ज से प्लग आउट करके निकाल दें। दिन में 2 बार से ज़्यादा यहाँ पे चार्ज ना करें। पावर बैंक का इस्तेमाल जो है कम से कम करें, ठीक है। और पावर बैंक अगर हो सके उसी कंपनी का है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और टाइप सी में जो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट लगाकर यहाँ पे चार्ज ना करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज आप मुझसे और एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। अपने जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पर पुट आउट कर दीजिए। आपके लिए स्पेशल अनबॉक्सिंग यहाँ पे आने वाली है। MCUC का कंटेंट भी यहाँ पर आएगा। फॉर्टनाइट का कंटेंट मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी मैं सब कुछ सेटअप कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा। और मैं यहाँ पे अभी इमोजी लगा रहा हूँ, तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बताइएगा। सो आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे दिख रहे होंगे मेरे ऑनर 8X की, जब वो खराब हो गई थी, तो ठीक है। तो अपने इश्यूज़ को जो है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और डिस्कॉर्ड का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाइए, डायरेक्टली मेरे साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ गुड डे।